गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेज। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और हम लोग थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज इसमें हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पिछले क्लास में आप पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, आज देखेंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे का नियम, जिन्होंने दो नियम दिया था इस इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित। माइकल फैराडे 1834 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया ए रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित किया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया गया, एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की वह मात्रा जो लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, जो उस इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, वह अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित किया जो कहलाया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे साहब ने दो नियम दिया। पहले हम लोग देखें फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का प्रथम नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित। यह नियम कहता है इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का द्रव्यमान जो जमा होता है या मुक्त होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वह समानुपाती होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाहित किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर। इफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ सबस्टांस इज डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिट हुआ, जमा हुआ, वो मान लिया डब्ल्यू ग्राम। ऑन पासिंग क्यू कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिट हुआ, जमा हुआ, वो मान लिया डब्ल्यू ग्राम। तो इस फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। डब्ल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो डिपोजिट होता है, जमा होता है इलेक्ट्रोड पर। क्यू क्या है? क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, वेयर जेड क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE जेड कहलाता है। अब अगर मान ले इफ ए करंट ऑफ आई एम्पियर इज पास्ट फॉर टी सेकेंड, अगर टी सेकेंड के लिए आई एम्पियर का करंट प्रवाहित किया जाए, तब क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन से अब क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी यहां रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब अगर यहां पर हम लोग मान लें Q अगर 1 कूलम मान लें, तब W इज इक्वल टू जेड, या फिर यहां पर I के जगह पर 1 एम्पियर और T के जगह पर 1 सेकेंड अगर रखा जाए तो भी W इज इक्वल टू जेड। तो इस तरह से ये जो जेड है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE,
इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस में बी डिफाइंड एज, इस जेड को परिभाषित कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा में पदार्थ की मात्रा अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वह अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए अगर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए तब जितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वह कहलाता है जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये था फर्स्ट लॉ फैराडे का। अब हम लोग देखें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग देखें फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इट स्टेट्स दैट, यह नियम कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, अगर समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाए थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन ए सीरीज। जैसे अगर मान लीजिए एक कंटेनर में लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या तीसरे में H2SO4, अगर तीनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक सीरीज के रूप में और समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रवाहित किया जाए तो इस तरह से जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्ट रहे एक सीरीज में और अगर सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाए तब द वेट ऑफ सबस्टांस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा में पदार्थ जमा होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सबस्टांस के केमिकल इक्विवेलेंट वेट का या इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार का। अब अगर मान लें W1 ग्राम W2 ग्राम मासेज बी डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा हुआ वो W1 ग्राम और W2 ग्राम है, बाय पासिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर और E1 और E2 ये केमिकल इक्विवेलेंट है क्रमशः, तो इस सेकेंड लॉ के अनुसार W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 एंड W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 और W1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू E1 एंड W2 इज इक्वल टू के इनटू E2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन टू वी गेट W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। लेट इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। चूंकि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया गया, I और T कांस्टेंट, देयरफॉर W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू I इंटू T एंड W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू I इंटू T। अब यहां जो W1, W2 का ये जो वैल्यू है इसे इस इक्वेशन थर्ड में यहां रख देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ W1 एंड W2 इन इक्वेशन थर्ड वी है, अब इस W1 के जगह पर लिखेंगे Z1 I इंटू T, W2 के जगह पर लिखेंगे Z2 I इंटू T। Z1 I T बाय Z2 I T इज इक्वल टू E1 बाय E2। I T कैंसिल, Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट व्हिच इंडिकेट्स दैट Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरह से इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन ए सीरीज, जब समान मात्रा में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित किया जाए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से जो एक सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, तब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ईसीई अर्थात जेड, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट अर्थात ई का। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे फिर हम लोग अनदर डेरिवेशन में इस तरह से देखेंगे। अब इसी में देखें, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ऑक्सीकरण और अवकरण के लिए जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है वह उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री पर निर्भर करता है। जैसे Ag प्लस सिल्वर आयन इन एक्वा सॉल्यूशन गेन वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। हियर सिल्वर आयन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन होगा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड रहेगा, तो इस प्रोसेस को आप रिडक्शन कहेंगे। तो एक मोल सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वन मोल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप पढ़े होंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, वन मोल इजकल टू 6.022 × 10⁻²³ पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96,487 कूलम पर मोल। अप्रोक्स हम लोग लेते हैं 96,500 कूलम्ब, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो इस तरह से 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ में आपने देखा डब्ल्यू इजकल टू जेड इंटू क्यू, और अगर क्यू इजकल टू 96,500 कूलम अगर लिया जाए तब यह जो W है वह ग्राम इक्विवेलेंट E के बराबर होता है। तो इस तरह से W की जगह E इजकल टू Z इंटू 96,500, या यहां से Z इजकल टू E बार 96,500। फिर आपने पढ़ा है W इजकल टू Z इंटू Q या W इजकल टू Z इंटू I इंटू T फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अब यहां पर ये जो Z का वैल्यू है ये रख दीजिए, W इजकल टू Z के जगह पर E बाय 96,500 इंटू I इंटू T। तो इस तरह से वेट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखें। फर्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। मोल्टेन Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कितना मोल इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सकता है,
कितना मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ताकि 10 ग्राम एल्युमिनियम को प्राप्त किया जा सके मोल्टेन एयर 2O3 से। तो यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यह आयोनाइज्ड हुआ 2 एल्युमिनियम आयन 2Al3+ एंड 3O2- ऑक्साइड आयन। तो 1 एल्युमिनियम आयन यहां 3+ है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ एल्युमिनियम में। तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 मोल एल्युमिनियम आयन को आवश्यकता होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल एल्युमिनियम मींस 27 ग्राम एल्युमिनियम आयन। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम आयन को रिड्यूस होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए 1 ग्राम और इसीलिए 10 ग्राम में निकाल लेंगे। 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इन 1 ग्राम 3/27 एंड इन 10 ग्राम 3×10/27 दिस इज इक्वल टू 1.11 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 10 ग्राम एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ और इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखें। अनदर प्रॉब्लम, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। अगर कोई सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का जिसे इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया 10 मिनट तक, और इसके लिए जो करंट सप्लाई किया गया 1.5 एम्पियर, तो कॉपर का कितना मास जमा होगा कैथोड पर। तो यहां दिया हुआ है करंट स्ट्रेंथ I 1.5 एम्पियर, टाइम समय दिया हुआ है 10 मिनट, तो इसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 10×60 सेकंड इक्वल टू 600 सेकंड। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट आपने पढ़ा Q=I×T, I 1.5 एम्पियर इंटू टाइम 600 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 900 कूलम। CuSO4 इन एक्वा सॉल्यूशन आयोनाइज्ड हुआ Cu2+ SO4 2-। Cu2+ 2+ चार्ज है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कन्वर्ट हुआ रिड्यूस्ड हुआ Cu में। यहां कॉपर 1 मोल, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। तो 1 मोल क्यूप्रिक आयन Cu2+ 63.5 ग्राम, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया 2 फैराडे 2×96,500 कूलम। तो 2×96,500 कूलम करंट डिपॉजिट करता है 63.5 ग्राम कॉपर को, इसीलिए 1 कूलम। 63.5/2×96,500 एंड देयरफॉर 900 कूलम, 900 कूलम 63.5/2×96,500×900 कूलम। इसको सॉल्व करिए तो 0.296 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी सी थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम एल्युमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज। इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया हुआ है Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस हुआ एल्युमिनियम में। तो इस इक्वेशन के आधार पर बताइए कितने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी जो 50 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करेगा। तो यहां प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है Al3+ गेन 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Al, मींस 1 मोल एल्युमिनियम आयन गेन 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल मींस 3 फैराडे,
3 × 96,500 कूलम, 1 फैराडे 96,500 कूलम एंड 1 मोल एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो सिंस 27 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 × 96,500 कूलम, देयरफॉर 1 ग्राम एंड फाइनली इन 50 ग्राम। 3 × 96,000 कूलम, 96,500 कूलम बाय 27 ग्राम इंटू 50 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 536111 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी जो रिड्यूस कर दे 1 मोल पर मैंगनेट आयन MnO4- को Mn2+ में एंड 1 मोल ऑफ Cr2O7-2- डाइक्रोमेट आयन 2Cr3+। तो पहले हम लोग समझे प्रॉब्लम ए को। 1 मोल MnO4- पर मैंगनेट आयन ये रिड्यूस्ड हुआ Mn2+ में। अब आप इस इक्वेशन को चेक करिए, क्या यह इक्वेशन बैलेंस है? पहले इसको बैलेंस करना होगा, 1 Mn 1 Mn। अब यहां देखिए 4 ऑक्सीजन है, इधर कुछ नहीं है, तो जिधर ऑक्सीजन नहीं रहेगा या जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे, H2O मॉलिक्यूल। 4 ऑक्सीजन है इसीलिए यहां पर लिखेंगे 4H2O। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहां देखिए इधर हो गया 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। जिधर हाइड्रोजन नहीं होगा या कम होगा उधर H+ आयन जोड़ेंगे, चूंकि यह एसिडिक मीडियम है। तो यहां पर 8 हाइड्रोजन है इसीलिए 8H+ आयन जोड़ा गया। अब आप चेक करिए तो सभी एटम आपको बैलेंस मिलेंगे, 1 Mn 1 Mn, 4 ऑक्सीजन, इधर भी देखिए 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। अब चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस करना है, इधर 1- है और 8+ है, 8+ 1- दैट इज 7+, इधर 7+ बच गया, मींस इधर 7 इलेक्ट्रॉन कम है, और इधर देखिए 2+ है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर, इधर 7 इलेक्ट्रॉन कम है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसीलिए जिधर इलेक्ट्रॉन कम है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब यह इक्वेशन पूरा पूरी बैलेंस्ड हो गया। कैसे? तो एक बार फिर चेक करिए, 1 माइनस 8+ 8+ 1 माइनस, 7+ और 5 माइनस 2+, इधर भी देखिए 2+, और चार्ज भी बैलेंस। तो इस तरह से आपने देखा, अब यहां पर MnO4- 1 मोल है, तो 1 मोल MnO4- को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई? 5 मोल, यही कैलकुलेट करना था। 10 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल MnO4- इंटू Mn2+। तो इस तरह से आपने देखा, 1 मोल MnO4- पर मैंगनेट आयन को रिड्यूस करने के लिए
5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, यही कैलकुलेट करना था। तो ये था ए। इसी तरह से आप खुद सॉल्व करिए बी, इसे आप बनाइए इसी तरह से, नहीं बने तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछिए, हम देखेंगे। तो इस सब को एक बार रिवीजन करिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी।